जब वेद व्यास जी ने भागवत कथा की रचना की तो उसके बाद उनके मन में ख्याल आया कि इस धरती में लोग माया मोह के बंधन में फंसे हुए हैं, तुच्छ चीज़ों से प्रेम करते हैं, तो ये भागवत की कथा कौन कह के इनको सुनाएगा, ये माया में फंसे हुए लोग कैसे भागवत की कथा कह पाएंगे। जो भगवान से प्रेम करता है सच्चे अर्थों में वही भागवत की कथा जनमानस तक पहुंचा सकता है। ऐसा कौन है जो ये भागवत जनता तक पहुंचाए, जनमानस तक पहुंचाए, ऐसा विचार सुखदेव जी करने लगे। उनके मन में ख्याल आया कि भगवान भोलेनाथ ही ऐसे हैं जिनके अंदर त्याग की बहुत भावना है। ऐसी कथा मिलती है कि भगवान शिव से जब देवताओं ने आग्रह किया कि वो विवाह कर लें, तो विवाह के लिए जाने से पहले ही भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था और उसके बाद वो गए और पार्वती जी से उनका विवाह हुआ। भगवान शिव पार्वती जी को राम कथा और कृष्ण कथा सुनाते थे और पार्वती जी से राम राम जपने के लिए कहते थे। इस तरह का विचार जब वेदव्यास जी के मन में आया तो उन्हें लगा कि सिर्फ भगवान शिव ही ऐसे हैं जो अपने हृदय में नारायण को, भगवान विष्णु को धारण करते हैं, और उनसे अच्छा भागवत कथा और कौन कह सकता है। इस संसार की जड़ वस्तुओं से प्रेम करने वाले लोग किस तरीके से इस भागवत कथा को समझ पाएंगे, इसके लिए एक सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है और भगवान शिव ही वो मार्गदर्शन दे सकते हैं। इस तरह का भाव जब वेदव्यास जी के मन में उठा तो उनके मन में ये इच्छा जागी कि मेरा भगवान शिव की तरह पुत्र हो जो इस भागवत कथा को कहे और भागवत कथा का प्रचार प्रसार करें। उन्होंने ये बात अपनी पत्नी को बताई जिनका नाम आरुणी देवी था। कहीं कहीं उनका नाम वाटिका देवी भी बताया जाता है कुछ धर्म ग्रंथों में। पति पत्नी दोनों राजी हुए कि हाँ, भगवान शिव अगर पुत्र के रूप में हो तो इससे अच्छा और क्या है। दोनों का मन हुआ कि भगवान शिव पुत्र के रूप में आए और भागवत कथा कह के अनेक जीवों का कल्याण करें, धरतीवासियों का कल्याण करें। इसलिए दोनों पति पत्नी वेदव्यास जी और उनकी पत्नी आरुणी देवी शिव जी के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। जब भगवान भोलेनाथ को ये पता चला कि वेदव्यास जी उन्हें याद कर रहे हैं तो वो उनके आश्रम में आए और उनसे उनकी इच्छा पूछी कि वो क्यों याद कर रहे हैं। वेदव्यास जी ने अपने मन की इच्छा बताई। तब भोलेनाथ ने कहा कि इस मायामय संसार में हर आदमी माया से डूबा हुआ है और वो इस मायामय संसार में आना नहीं चाहते हैं। वेदव्यास जी ने उनसे निवेदन किया, बहुत आग्रह किया। तब शिव जी ने जन कल्याण के लिए, लोगों का कल्याण करने के लिए वेदव्यास जी के पुत्र के रूप में आने का निर्णय लिया। कहते हैं कि भगवान शिव ने वेदव्यास की पत्नी आरुणी देवी की तरफ देखा और देखते ही उनको गर्व हो गया, गर्व ठहर गया। आरुणी देवी के गर्भ में सुखदेव जी आए। सुखदेव जी महाराज हमेशा भगवान कृष्ण का ध्यान करते रहे गर्भ में ही, इसलिए उनका वर्ण श्याम हो गया, श्याम वर्ण के हो गए सुखदेव जी। ऐसा कहा जाता है कि हम जिसका ध्यान करते हैं वैसे ही हो जाते हैं। बहुत दिनों तक सुखदेव जी महाराज माँ आरुणी देवी के पेट में रहे।
तब वेद व्यास जी ने कहा, बेटा बाहर निकल आओ, आपकी माता को कष्ट हो रहा है। सुखदेव जी ने पेट से ही कहा कि आप मुझे बेटा कहते हैं, इसका मतलब है आप भी इस माया के अधीन हैं। मैं इस माया के अधीन नहीं होना चाहता, इसलिए मैं तभी बाहर आऊँगा जब मुझे कोई ऐसा आशीर्वाद दे जो माया के अधीन ना हो। वेदव्यास जी ने मन में विचार किया और भगवान नारायण का ध्यान किया। धरती में भगवान नारायण के चार नाम हैं, माधव राय धरती में चार दिशाओं में है। ऐसा कहा जाता है कि प्रयागराज में वेणी माधव है, रामेश्वरम में सेतु माधव है, काशी में बिंदु माधव है और उत्तर भारत में गोविंद माधव है। जब वेदव्यास जी ने नारायण स्वरूप माधव राय का ध्यान किया तो भगवान प्रकट हुए। भगवान नारायण की पत्नी है माया, माया भगवान राम भगवान नारायण की दासी है। भगवान नारायण आए आश्रम में और वेदव्यास जी ने उन्हें सारी बात बताई। तो उन्होंने सुखदेव जी महाराज को कहा कि बेटा गर्भ से बाहर आ जाओ, माया तुम्हें स्पर्श भी नहीं करेगी। सुखदेव जी महाराज गर्भ में ही बहुत बड़े ज्ञानी थे, भक्ति थे, भक्ति में लीन थे, बैरागी थे। समझ गए कि भगवान नारायण आए हैं और भगवान नारायण का आशीर्वाद उन्हें मिल चुका है। भगवान नारायण से आशीर्वाद लेने के बाद सुखदेव जी महाराज ने गर्भ से बाहर आने का फैसला किया। सुखदेव जी महाराज शुभ समय में जन्म लिए, धरती में प्रकट हुए और वो जन्म से ही मुक्त थे, जन्म से ही माया से मुक्त थे, जन्म से ही उनके अंदर ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों था। ऐसे सुखदेव जी महाराज धरती में आए और उन्होंने धरती वासियों के कल्याण के लिए राजा परीक्षित को निमित्त बना करके भागवत कथा कही। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से सुखदेव जी महाराज ने 16 वर्ष की अवस्था में ही घर का त्याग किया और भागवत कथा कही। इसके लिए आप अगला वीडियो अवश्य देखिए। सुखदेव जी महाराज के द्वारा दिया गया ज्ञान हम सब के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अमृत के समान है। अगले वीडियो में हम आपको उसकी पूरी जानकारी देंगे, इसलिए अगला वीडियो अवश्य देखिएगा कि सुखदेव जी महाराज ने घर का त्याग करते समय अपने माता पिता को क्या कहा था और उसमें हम सब के लिए क्या ज्ञान छुपा हुआ है। धन्यवाद।